कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट जहां पर बहुत भागदौड़ मच चुकी है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कंपटीशंस भी है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स भी हैं। लेकिन इसी सेगमेंट में इंडियन मार्केट में दो गाड़ियां ऐसे अवेलेबल हैं जिन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक है निसान मैग्नाइट, दूसरा है रेनो काइगर। अगर आपकी बजट 5 से 8 लाख के अंदर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मैग्नाइट और काइगर इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर आती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपका वो सारा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं और प्रैक्टिकल रीजन से आपको समझाऊंगा। समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए कौन सा गाड़ी सूटेबल है और कब तक सूटेबल है, कितना पैसा इन दोनों गाड़ी में स्पेंड करना ठीक रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंजन से। इन दोनों गाड़ियों में जो इंजन लगाया गया है वो सेम है, सेम पावर निकालता है, सेम टॉर्क निकालता है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। वेट के वजह से थोड़ा 19-20 हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा फर्क आपको नहीं दिखेगा। दोनों गाड़ियों का जो डायमेंशन है वो लगभग सेम है, अंडर 4 मीटर ये SUVs आती हैं। अंदर का जो स्पेस है वो भी 19-20 का ही फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो आपको काइगर में मिलता है लेकिन मैग्नाइट में नहीं मिल पाता है। सबसे पहला फीचर है LED टेल लैंप। LED टेल लैंप आपको काइगर में मिलेगा, मैग्नाइट में नहीं मिलेगा। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको काइगर में मिलेगा, मैग्नाइट में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट काइगर में आपको 2 ग्लव बॉक्स भी मिलेगा। एयर फिल्टर काइगर में मिलेगा, मैग्नाइट में नहीं मिलेगा। ड्राइविंग मोड काइगर में है, एम्बिएंट लाइट काइगर में है। कैबिन का जो ओवरऑल फील है, जो स्ट्रक्चर है, जो एक फील गुड फैक्टर कैबिन में बैठते ही होता है, वो आपको रेनो काइगर में ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कौन से ऐसे फीचर्स है जो मैग्नाइट में है काइगर में नहीं है। ध्यान से सुनिएगा इन सब फीचर्स को। सबसे पहला फीचर है LED फॉग लैंप, एक बहुत ही यूजफुल फीचर होता है किसी भी गाड़ी के लिए फॉग लैंप, लेकिन आपको काइगर में फॉग लैंप नहीं मिल पाता है। साथ साथ में 360 डिग्री रियर व्यू कैमरा भी आपको मैग्नाइट में ही मिलेगा, ये भी एक बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है। मैग्नाइट में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलेगा, कौन से टायर में आपका कितना प्रेशर है वो भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है। क्रूज कंट्रोल यूजफुल फीचर मिलेगा। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी आपको मैग्नाइट में मिलेगा, कंपनी इसे कहती है निसान कनेक्ट। इसमें आपको 50 अलग अलग फीचर्स भी मिलेंगे। तो ओवरऑल जो मैग्नाइट का यूजफुल फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा है काइगर से। आफ्टर सेल सर्विस किसी भी गाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। गाड़ी लेने के बाद सरदर्द ना बन जाए ये बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर रेनॉल्ट आगे निकल जाती है। रेनॉल्ट का जो सर्विस सेंटर है, सर्विस नेटवर्क है, वो लगभग निसान के डबल है। यानी कि अगर आपके शहर के आसपास में निसान का सर्विस सेंटर नहीं है तो हो सकता है निसान मैग्नाइट लेने के बाद आपको थोड़ा पछताना पड़े, सर्विस करवाने के लिए दूर जाना पड़े। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ में आ सकती है। लेकिन ये तो हो गए सारे फीचर्स की बातें। यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि दोनों गाड़ियों में से आपके लिए कौन सा गाड़ी ठीक है, कौन से फीचर्स जो हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, कौन से फीचर्स आपको चाहिए। लेकिन बजट मेन चीज होता है। किसी भी गाड़ी में अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो पैसा, वो गाड़ी वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और एनालिसिस करने के बाद मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अगर आप काइगर या फिर मैग्नाइट लेना चाहते हैं और आपका बजट या फिर आपका टारगेट था कोई हैचबैक गाड़ी जैसे कि सेंट्रो, टियागो, सिलेरियो, वैगनार, इन सब गाड़ियों का जो प्राइस टैग है, प्राइस रेट है, वो लगभग मैग्नाइट और काइगर के बेस मॉडल तक आ ही जाता है। इन सब गाड़ियों का जो मिड मॉडल है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका जो प्राइस है वो लगभग मैग्नाइट और काइगर के बेस मॉडल तक पहुंच जाता है। और इन सब गाड़ियों का जो टॉप मॉडल का प्राइस है उनका प्राइस मैग्नाइट और काइगर के बीच वाले यानी कि मिड मॉडल तक पहुंच जाता है। जैसे कि काइगर का जो बेस मॉडल है RXE वो 6,08,000 में आपको मिल जाएगा ऑन रोड। जो RXL है वो 7,03,000 में मिल जाएगा। तो जो प्राइस है वो काफी स्मार्ट तरीके से डिजाइन की गई है। एक हैचबैक के प्राइस में आपको एक कॉम्पैक्ट SUV दिया जा रहा है। यहां पर आप बाजी मार सकते हैं। यहां पर ये जो दो गाड़ियां हैं ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकती है। या फिर RXL टर्बो को टारगेट करते हैं जिसका प्राइस है 8,30,000 रुपए, तो यहां पर मुझे लगता है कि इतना पैसा इन गाड़ियों में देने से अच्छा है कि आप किया सोनेट का बेस मॉडल ले लीजिए, नेक्सॉन का बेस मॉडल ले लीजिए, वो आपके लिए फायदे का सौदा होगा। नेक्सॉन एक बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है, टर्बोचार्ज इंजन आपको मिलेगा। फीचर्स जो हैं वो हालांकि कम मिलेंगे लेकिन गाड़ी में जो है वो मजा जो आपको देगा वो गाड़ी, वो इन दोनों गाड़ियों में आपको कतई नहीं मिलेगा। तो कंक्लूजन ये है कि रेनो काइगर के RXT से नीचे का जो मॉडल है वो आप ले सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी होगा। मैग्नाइट के केस में भी यही है, XV के ऊपर का जो वेरिएंट है वो आप मत लीजिए, वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा। XV के नीचे का जितने भी वेरिएंट है वो आप ले सकते हैं, वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आप मुझसे एग्री करते हैं तो प्लीज लाइक कर दिए। इसी तरह के वीडियोस गाड़ी ज्ञान चैनल में आगे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए।